नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों की। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले अत्याधुनिक संसाधनों से और लैस हो एसटीएफ और एटीएस, दो नए फील्ड इकाई बनाने का भी प्रस्ताव। लखनऊ में सीएम योगी से मिले व्यापारी, योगी ने कहा कमेटी बनाई है किसी व्यापारी को दिक्कत ना हो। मऊ में 29 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, पालिका कम्युनिटी सेंटर का मंत्री एके शर्मा ने किया उद्घाटन, कहा प्रदेश में हो रहा विकास। हरिहरपुर से शिफ्ट हुआ सीएम का प्रोग्राम, आजमगढ़ के कलाकार बोले ये हरिहरपुर घराने का अपमान, अमृत सरोवर पर नहीं रखी गई ईंट। ई संजीवनी के माध्यम से 55 लाख का इलाज, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने योजना के प्रचार प्रसार के दिए निर्देश। मथुरा में फल विक्रेता को चाकू घोंपने का वीडियो वायरल, बाइक सवार युवकों ने मारा चाकू, घटना सीसीटीवी में हुई कैद, मुकदमा दर्ज। उन्नाव में दो पक्ष आए आमने सामने, जमकर पथराव, शोभा यात्रा के दौरान रंग गुलाल उड़ाने को लेकर हुआ था विवाद। अवैध संबंध में हुई थी शाहनवाज की हत्या, दोस्त की पत्नी से नजदीकियां बढ़ा रहा था, पति ने तीन दोस्तों के साथ मिलकर मार डाला। अतीक के नौकर ने किए सनसनीखेज खुलासे, माफिया के ध्वस्त घर से बैग बरामद, आईफोन रजिस्टर और असद का आधार कार्ड मिला। नई पुलिस चौकियों पर तैनात हुए चौकी इंचार्ज, बेहतर पुलिसिंग के लिए बनी 31 नई चौकी, अब गोरखपुर में हुई 99 पुलिस चौकी। हरदोई में जमीन को लेकर दो पक्ष आए आमने सामने, जमकर हुई झड़प, खूब चले ईंट पत्थर, तीन जख्मी, सरकारी जमीन को कब्जाना चाहते। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में व्यापारी की गाड़ी पर पथराव, बाल बाल बचे व्यापारी और उनकी पत्नी, पुलिस आरोपियों की कर रही तलाश। आगरा में तीन दिन तक शाहगंज के लोगों को नहीं मिला पानी, टैंकर मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, इंटरकनेक्शन का होगा काम। मेरठ में सीए की पत्नी से बदमाशों ने छीनी चेन, मंदिर से घर लौटते समय बाइक सवार दो बदमाशों ने की वारदात। संत कबीर नगर में प्रधान की चप्पल से पिटाई, मां बेटी ने बीच चौराहे पर पीटा, कपड़े भी फाड़े, पैसे के लेन देन का मामला। सुल्तानपुर में मकान के अंदर चल रहा था सेक्स रैकेट, पीआरवी टीम ने घेराबंदी कर मारी रेड, चार महिलाओं समेत पांच हिरासत में। पैसा दोगुना करने वाले गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार, एक कार और 8 मोबाइल बरामद, झांसे में लेकर लोगों संग करते थे ठगी। बागपत में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, घर से बुलाकर ले गए थे आरोपी, रजवाही किनारे मिला युवक का शव। सुल्तानपुर में उद्घाटन से पहले चोरों ने किया कांड, विधायक निधि से लगी 3 लाख की 8 फ्लड लाइट, खोल ले गए केस दर्ज। सड़क से लेकर खेत तक छुट्टा पशुओं का आतंक, गौ आश्रय स्थल बनाने के बाद भी समस्या से नहीं मिल पाई निजात, फसलों को हुआ नुकसान।
बिजनौर के चांदपुर में दो बाइकों में भिड़ंत, 5 लोग घायल, 8 साल की बच्ची सहित 4 हायर सेंटर रेफर, 3 की हालत गंभीर। मेरठ में बच्चों में हुई कहासुनी के बाद विवाद, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, पत्थर चलाए, कई लोग हुए घायल। नोएडा में 4 दिन में कोरोना के केस हो रहे डबल, 206 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 47 नए केस। दबंगों ने किसान को गोली मारकर किया घायल, खेत से लौटते वक्त घात लगाकर किए कई राउंड फायर, दोनों में चल रहा विवाद। रामपुर में आजम खान ने वीडियो जारी कर किया अपील, नस्लों के सुनहरे ख्वाब यूनिवर्सिटी को टूटने मत देना। एनएसयूआई के छात्रों ने निकाला लोकतंत्र बचाओ शांति मार्च, पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए, वह सड़क पर लेट गए, वाहनों को जाने से रोका। ललितपुर में थ्रेशिंग मशीन की चपेट में आने से युवक की मौत, ससुराल वालों संग तालगांव में काम करने गया था। प्रतापगढ़ में युवक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, परिजनों ने लालगंज ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती, घटनास्थल पर पिस्टल हुआ बरामद। महोबा में तमंचे के साथ काटा बर्थडे केक, एक दूसरे को केक खिलाकर दे रहे जन्मदिन की बधाई, 3 युवक गिरफ्तार। मुरादाबाद में हादसे में मां बेटे की मौत, हाईवे पर बजरी से भरे डंपर ने मारी टक्कर, हादसे के बाद लगा जाम। बुलंदशहर में किसान की गेहूं की पकी फसल में लगी आग, गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से क्षेत्र में मचा हड़कंप, कटाई कर रहे किसान आग पर काबू पाने का कर रहे प्रयास। गोंडा में नदी में डूबे 4 लोग, एक युवक की डूबकर मौत, 3 सुरक्षित, बलरामपुर से झाड़ फूंक कर आने आए थे युवक। हमीरपुर में कोरोना ने दी दस्तक, कोरोना संक्रमित 2 मरीज मिले, 6 महीने के अंतराल के बाद जिले में कोरोना ने दी दस्तक। कानपुर में जिम के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर मारपीट, दबंग जिम संचालक और उसके साथियों ने की मारपीट, मारपीट में एक महिला हुई घायल। कानपुर में युवक ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की, छात्रा की मां ने मनचले युवक की चप्पल से कर दी पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में नगर निगम के ट्रक में लगी भीषण आग, यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे ट्रक में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ की गोमती नदी में डूबे बच्चे का मामला, नदी में डूबे 9 साल के मासूम का शव बरामद, रिवर फ्रंट पर खेलते खेलते नदी में गिरा था मासूम। लखनऊ में 14 अप्रैल से सपा की देश बचाओ देश बनाओ यात्रा, बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर यात्रा, समाजवादी पार्टी प्रयागराज से शुरू कर रही है यात्रा। लखनऊ में एटीएम काट कर बदमाशों ने की बड़ी लूट, 40 लाख के करीब नकदी एटीएम से लूट ले गए बदमाश, लग्जरी कार से एटीएम लूटने पहुंचे थे बदमाश। लखनऊ में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और रोडवेज में छिड़ा विवाद, इलेक्ट्रिक बसों में सफर करना यात्रियों को पसंद, यात्रियों को कम किराए में मिल रहा नैमिश, गंगागंज और बाराबंकी तक का सफर। लखनऊ में अतीक के बेटे की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप, एसटीएफ ने अतीक के परिवार और सहयोगियों पर दबिश की तेज। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हुए कोरोना पॉजिटिव, कई दिनों से कृषि मंत्री की तबीयत थी खराब।
लखनऊ सचिवालय में नियुक्ति को लेकर ठगी का मामला। नियुक्ति के नाम पर युवक से लाखों की ठगी। ऋषभ नामक युवक पर लगा ठगी का आरोप। औरैया में ऑटो में लगी भीषण आग। मालिक की जलकर हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी के प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक मिले अनुपस्थित। सरकार के शिक्षण कार्य योजनाओं की ओर रही धज्जियां। लखनऊ में वृहद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन। सीएम ने चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गाजियाबाद दौरा। केशव प्रसाद मौर्य करेंगे विकास योजनाओं की समीक्षा। हरदोई में मरीज की मौत पर हंगामा। डॉक्टर पर लगा लापरवाही से ऑपरेशन करने का आरोप। परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा। प्रयागराज में दुर्गा प्रसाद गुप्ता को किया गया सम्मानित। वैश्य समाज के लोगों ने पेड़ का पौधा देकर किया सम्मानित। रायबरेली में टायर फटने से वाहन गड्ढे में पलटा। ड्राइवर और क्लीनर को आई मामूली चोटें। सहारनपुर में अज्ञात शव की हत्या का खुलासा। पुलिस कप्तान ने किया हत्या का खुलासा। पैसों के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद। लखनऊ में बटलर पैलेस का औचक निरीक्षण। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने किया निरीक्षण। बटलर पैलेस में साफ सफाई को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। ट्रेन के इंजन पर चढ़ा युवक। एचटी लाइन ब्लास्ट। मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़कर पकड़ लिया था तार। विस्फोट के बाद 90% तक झुलसा। हमीरपुर में सरकार एमएसपी पर खरीद सकती है खराब गेहूं। उप कृषि निदेशक ने कहा जल्द डायरेक्शन मिलने की उम्मीद। कानपुर में राह चलते स्टूडेंट से छेड़खानी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी की तरह गोरखपुर में भी होगी गंगा आरती। राप्ती नदी पर आरती में शामिल होंगे देश विदेश के कलाकार। सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। चंदौली में छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए किया जागरूक रैली। निकालने का पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव। काशी में कटे इंटरनेट और केबल टीवी कनेक्शन। G20 समिट से पहले हट जाएंगे खंभों पर लटकते तार। शहरवासियों में गुस्सा। बाराबंकी पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक। अधिकारियों के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। बदायूं में वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। हादसे में एक घायल अस्पताल में भर्ती अपनी नाती को देखकर घर लौट रहे थे। वाराणसी के चोलापुर में ससुराल से महिला का हुआ अपहरण। मां के एक्सीडेंट की सूचना देकर ले गए चार लोग। नहीं पहुंचे बाइकें तो पति ने कराया केस। आगरा में अब तक 21 कोविड पॉजिटिव। एक और कोरोना सक्रिय केस मिला। 5 मरीज ठीक हुए। मौजूदा वक्त में 16 एक्टिव केस। चौकी इंचार्ज पर अवैध वसूली के आरोप में हंगामा। बफ्तर चौकी प्रभारी पर ग्रामीण ने लगाया वसूली का आरोप। सड़क पर बैठे सैकड़ों ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन।
हरदोई में कंबाइन की टक्कर लगने से वृद्धा की मौत, खेत में बाली बीन रही थी, पुलिस ने कहा तहरीर मिलने के बाद होगी कार्रवाई। मिर्जापुर में जेपी सीमेंट फैक्ट्री के कर्मियों का धरना जारी, 7 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान है कर्मी। हापुड़ में कैंटर से टकराकर खाई में गिरी रोडवेज बस, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, हादसे के बाद बेकाबू ट्रैकर भी रेलिंग तोड़कर गिरा। उन्नाव में 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, किसान बोले पकी खड़ी फसल जलकर राख हो गई है, अब खाने का संकट। शामली में हाईवे किनारे खाई में उतरी बस, चालक परिचालक पर नशे में ड्राइव करने का आरोप, 3 यात्री घायल, पंजाब जा रही थी बस। मुजफ्फरनगर में आग लगने से गिफ्ट सेंटर खाक, फायर ब्रिगेड ने देर रात बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लाखों का नुकसान। श्रावस्ती में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी टीम सख्त, अब तक कई लोगों पर हो चुकी है कार्रवाई। कन्नौज में कूड़ा जलाने पर भड़के लोग, सांस लेने में परेशानी होने पर रात को प्लांट पर पहुंचे पुलिस ने पालिका कर्मियों को हिरासत में लिया। सिद्धार्थनगर में संचारी रोग एवं स्कूल चलो रैली निकाली, बच्चों ने बैनर तले और लेकर और नारे लगाकर अभिभावकों को किया जागरूक, गांव में घूमे। गाजियाबाद में रैपिड रेल का तार चोरी, जमीन से 30 फुट ऊपर ट्रैक पर सेंधमारी, 20 घंटे बंद रहा टेस्टिंग संचालन कार्य। बुलंदशहर में मकान विस्फोट का मामला, पुलिस ने की केमिकल सप्लायर की तलाश तेज, अब तक 6 आरोपी भेजे गए जेल। गाजीपुर में 2 पक्षों के विवाद में चले ईंट पत्थर, गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, 5 लोगों पर हत्या की एफआईआर। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।